بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز وجل हम इल्मे सर्फ का तारुफ पढ़ रहे हैं। सबक नंबर 2, इल्मे सर्फ की तारीफ और गर्ज़ व ग़ायत। कोई भी इल्म हो, कोई भी फ़न हो, जिसे आप सीखना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसकी तारीफ जानें। आप जो इल्म सीखना चाहते हैं उसकी तारीफ जानें कि इसकी तारीफ क्या है, फिर मौजू क्या है, यानी इस इल्म में किस चीज़ से बहस की जाती है। अगर तारीफ मालूम नहीं होगी तो फिर मजहूल चीज़ का तलब करना लाजिम आएगा, यानी आप उस चीज़ को हासिल कर रहे हैं जिसके बारे में मालूम ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप तारीफ जानें और मौजू भी मालूम करें कि इस इल्म में किस चीज़ से बहस की जाती है। किसी भी इल्म का मौजू वो होता है जिसके ताल्लुक से उस इल्म में बहस की जाती है। जैसे इल्मे तिब का मौजू है इंसानी बदन, क्योंकि इल्मे तिब में इंसान के बदन से बहस की जाती है, इसलिए इल्मे तिब का मौजू है इंसानी बदन। तो जो इल्म आप सीखना चाहते हैं, सबसे पहले उसका मौजू भी मालूम करें कि इस इल्म में किस चीज़ से बहस की जाती है, वरना फिर आप बेकार के कामों में लगे रहेंगे। आपको यही मालूम नहीं होगा कि इस इल्म में किस चीज़ से बहस की जाती है, तो आप दूसरे चीज़ों में पड़े रहेंगे, इस तरह वक्त बर्बाद होगा। ठीक है, और फिर इस इल्म को क्यों सीख रहे हैं, जो इल्म आप सीख रहे हैं उसका गर्ज क्या है, क्यों सीख रहे हैं, सीखने का फ़ायदा क्या है, ये भी मालूम करें। क्योंकि अगर ऐसा ना हो कि आप किसी फालतू के चीज़ में पड़े रहें, ठीक है, जिस इल्म से आपको कोई ताल्लुक ना हो, आपको कोई फ़ायदा ना हो, आप उस इल्म को हासिल करने में लग जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि आप उस इल्म की गर्ज़ व ग़ायत को भी मालूम करें। खैर, देखिए, इल्म सर्फ की तारीफ, यहाँ से इल्म सर्फ की तारीफ बयान कर रहे हैं कि इल्म सर्फ किसे कहते हैं। ऐसे उसूल व क़वानीन जिनके ज़रिए एक कलीमे से दूसरा कलीमा बनाने और उसमें तब्दीली करने का तरीक़ा मालूम हो। ऐसे उसूल व क़वानीन जिनके ज़रिए से एक कलीमे से दूसरे कलीमे को बनाने और उनमें तब्दीली करने का तरीक़ा मालूम हो, ऐसे उसूल व क़वानीन को इल्मे सर्फ कहते हैं। अब यहाँ से इल्मे सर्फ का मौजू बयान कर रहे हैं कि इल्मे सर्फ का मौजू क्या है, इल्मे सर्फ में किस चीज़ से बहस की जाती है। इल्मे सर्फ का मौजू सेगे के एतबार से कलीमा है। इल्मे सर्फ का मौजू क्या है, कलीमा है। अगर आप डायरेक्ट यूँ कहें कि कलीमा है तो गलत नहीं है, लेकिन सेगे के एतबार से कलीमा इसलिए कह रहे हैं कि इल्मे नह का मौजू भी कलीमा है। इल्मे नह में भी कलीमे से बहस की जाती है, लेकिन इल्मे नह में कलीमे से इस एतबार से बहस की जाती है कि वो मुअरब है या मबनी, उसके आखिर में कौन सी हरकत आएगी, कौन सा एराब आएगा, यानी एराब व बिना के एतबार से कलीमे से इल्मे नह में बहस की जाती है, और इल्मे सर्फ में भी कलीमे से बहस की जाती है, लेकिन एराब व बिना की हैसियत से नहीं, बल्कि सेगे के एतबार से कि ये कौन सा सेगा है, इस एतबार से इल्मे सर्फ में कलीमे से बहस की जाती है। अब यहाँ से इल्मे सर्फ की गर्ज बयान कर रहे हैं। इल्मे सर्फ की गर्ज, नहीं, इल्मे सर्फ क्यों सीखते हैं जी, क्या फ़ायदा इल्मे सर्फ का, सेखे बनाने और उनमें तब्दीली करने में जहन को गलती से बचाना। सेखे बनाने और उसमें तब्दीली करने में जहन को गलती से बचाना, कि एक सेखे से आप दूसरे सेखा बनाना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि आप गलती कर बैठें। गलती से बचने के लिए, सेखे को बनाने उसमें तब्दीली करने में गलती से बचने के लिए इल्मे सर्फ सीखा जाता है। अब यहाँ से इल्मे सर्फ का फ़ायदा बयान कर रहे हैं। इल्मे सर्फ का फ़ायदा, अरबी लुगत को समझने की ऐसी सलाहियत का पैदा होना जो कुरान व हदीस को समझने में मुआविन व मददगार हो। इल्मे सर्फ को सीखने की वजह से अरबी लुगत समझने में आसानी हो जाएगी, ऐसी सलाहियत पैदा हो जाएगी जिसके ज़रिए से कुरान व हदीस को समझने में मदद मिलेगी। अरबी लुगत को समझने की ऐसी सलाहियत का पैदा होना जो कुरान व हदीस को समझने में मुआविन व मददगार हो। अब यहाँ से इल्मे सर्फ की फजीलत बयान कर रहे हैं। इल्मे सर्फ की फजीलत,
चूँकि इल्म सर्फ के ज़रिए कुरान और अहादीस को समझने में मदद मिलती है, इस वजह से इस इल्म को भी शर्फ व फजीलत हासिल है। क्योंकि बग़ैर इल्म सर्फ के सही तरह कुरान पाक, सही तरह अहादीस नहीं समझ पाएंगे। कुरान और अहादीस समझने के लिए इल्म सर्फ से मदद मिलती है, इसलिए इस इल्म को फजीलत और शर्फ हासिल है। क्योंकि इस इल्म के ज़रिए से हम कुरान पाक को समझ रहे हैं, अल्लाह ताला के कलाम को समझ रहे हैं, अल्लाह ताला के कलाम को समझने में मदद मिलती है। तो जाहिर सी बात है ये कोई अहम इल्म है कि इस इल्म के ज़रिए से अल्लाह के कलाम और रसूल के कलाम को समझने में मदद मिलती है। यकीनन ये एक बहुत अहम इल्म है, ठीक है। इस इल्म जो इल्म है ये शर्फ वाला इल्म है, फजलत वाला इल्म है। यहाँ से बयान कर रहे हैं कि इल्म सर्फ को सर्फ क्यों कहते हैं, सर्फ कहने की वजह क्या है, कोई दूसरा नाम रख देते सर्फ ही क्यों कहते हैं। वजह तस्मिया, सर्फ का लफ्जी माना फेरना है। लफ्ज सर्फ जो है ना, इसका डिक्शनरी के एतबार से माना होता है फेरना। चूंकि इस इल्म में एक कलीमे को फेर कर उसकी मुख्तलिफ सूरतें बनाने के तरीके बयान किए जाते हैं, एक कलीमे से दूसरे कलीमे किस तरह बनाएं। तो जब एक कलीमे से हम दूसरे कलीमे बना रहे हैं, गोया कि उस कलीमे को दूसरे कलीमात की तरफ फेर रहे हैं, तो बयान कर रहे हैं चूंकि इस इल्म में एक कलीमे को फेर कर उसकी मुख्तलिफ सूरतें बनाने के तरीके बयान किए जाते हैं, इसलिए इसे इल्म सर्फ कहते हैं। क्योंकि इसमें पता है एक कलीमे को फेर कर दूसरे कलीमे किस तरह बनाते हैं, ये कवायद वगैरह इस इल्म में बयान किए जाते हैं, इसलिए इस इल्म को इल्म सर्फ कहते हैं। अब देखिए तमरीन, सवाल नंबर एक, इल्म सर्फ की तारीफ बताइए। ऊपर तारीफ जो लिखी हुई है उसे याद कर लें और फिर यहाँ पर बयान कर दें कैसे उसूल और कवानीन जिनके ज़रिए से एक कलीमे से दूसरे कलीमे बनाने और उनमें तब्दीली करने का तरीका मालूम हो, ऐसे उसूल और कवानीन को इल्म सर्फ कहते हैं। सवाल नंबर दो, इल्म सर्फ का मौजू क्या है। इल्म सर्फ का मौजू सेखे के एतबार से कलीमा है। क्या है? सेखे के एतबार से कलीमा, मुतलकन कलीमा नहीं है। क्योंकि मुतलकन कलीमा कहेंगे तो फिर इल्म नहु का मौजू भी तो कलीमा है। इल्म सर्फ में कलमे से बहस होती है सेखे के एतबार से। सवाल नंबर तीन, इल्म सर्फ की वजह तस्मिया क्या है, यानी इल्म सर्फ नाम रखने की वजह क्या है। क्योंकि सर्फ का लुगवी माना है फेरना, और इस इल्म में एक कलीमे को फेर कर उसकी मुख्तलिफ सूरतें बनाने के तरीके बयान किए जाते हैं कि उसकी मुख्तलिफ सूरतें किस तरह बनाई जाएंगी। ये तरीके जो है इस इल्म में बयान किए जाते हैं, इल्म सर्फ में बयान किए जाते हैं, तो इसलिए इसे इल्म सर्फ कहते हैं। यानी इसमें भी फेरने का माना पाया जा रहा है, एक कलीमे को फेर कर उसकी मुख्तलिफ सूरतें बनाने के तरीके बयान किए जाते हैं, तो इसलिए इसे इल्म सर्फ कहते हैं। अल्लाहु व रसूलुहु आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।